नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की पहली बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शाम 6 बजे से 7 बजे तक की बैठक चली और बैठक में सीईसी के तमाम सदस्यों, यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी और धीरज गुज्जर समेत अन्य सचिवों ने वर्चुअली तौर पर शिरकत की। इस बैठक में यूपी चुनाव के लिए लगभग 45 उम्मीदवारों के नाम पर भी मोहर लग गई है। जानकारी के अनुसार यूपी कांग्रेस ने करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची चर्चा के लिए सीईसी को भेजी थी और ऐसे में इस बैठक में मोहर लगने के बाद पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले सितंबर में इस मसले पर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 10 जनपद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही सीईसी बैठक बुलाने की उम्मीद लगाई जा रही थी। दरअसल बीते 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था और यह समिति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। समिति का अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को बनाया गया था, वहीं दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के अनुसार जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी के उम्मीदवारों के पैनल की लिस्ट बनाई जाएगी। कई स्तर की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों का चयन शनिवार को हुई इस बैठक में कर लिया गया है। अमरोहा के गांव सहसपुर अली नगर में मोहम्मद शमी के परिजन और गांव वालों में आज के मैच को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव सहसपुर अली नगर के रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव में शाम को होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर खासा उत्साह दिखा। गांव के लोग और उनके परिजन भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि भारत पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान को पछाड़ देगा और जीत हासिल करेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने गांव के बेटे मोहम्मद शमी की जीत की दुआ भी की। उनके रिश्ते में लगने वाले भाई मोहम्मद जैद का कहना है कि शाम को अगर ऊपर वाले ने चाहा तो करवा चौथ का चांद भारत की जीत के साथ निकलेगा। मोहम्मद शमी के रिश्ते के भतीजे शवी ने बताया है कि वो बचपन से अपने चाचा को प्रैक्टिस करते देखते आ रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि उनके चाचा और भारत इस बार भी पाकिस्तान से मैच जीतेगा। आज इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का 6वीं बार लगातार मुकाबला होना है, जिसमें कि इंडिया 5 बार लगातार जीत चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि 6वीं बार भी इंडिया पाकिस्तान को हरा कर वर्ल्ड कप में लगातार अपना अभियान जारी रखे और वर्ल्ड कप वापस लेकर आए, जिसमें कि विराट कोहली की कप्तानी में लास्ट वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो संन्यास ले लें, वो कप्तानी छोड़ देंगे T20 की। तो उम्मीद करते हैं कि लास्ट कप्तान T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी विराट कोहली को टीम को विजेता बनाएं। फरुखाबाद में गोभी की सब्जी खाने के बाद हालत बिगड़ने से 2 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक एक परिवार के 7 लोगों ने खाने में गोभी की सब्जी खाई थी, जिसके बाद देर रात परिवार के सभी लोगों की हालत खराब होने लगी। सभी को पेट में दर्द, उल्टी आने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 अन्य सदस्यों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। थाना राजेपुर क्षेत्र के गसुपुर गड़िया ग्राम का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फरुखाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर गोभी की सब्जी खाने से एक परिवार की हालत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि परिवार में 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों की जान चली गई है और 5 लोगों के अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश के बाद लगातार नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं नेपाल से लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 64 सेंटीमीटर ऊपर तो सरयू नदी लगभग 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के लगभग कई मजरे बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दूसरी तरफ गंज तहसील क्षेत्र के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दोनों तहसीलों को मिलाकर लगभग 18,000 की आबादी और 4,000 हेक्टेयर की फसल प्रभावित हो चुकी है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए नाव की व्यवस्था करा दी गई है और जहां बांध में कटान हो रहा था तो वहीं संबंधित विभाग को बांध के सुरक्षित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन लगातार
चौकसी बनाए हुए हैं और उधर उप जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी लगातार बांध का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो गोंडा का ही पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गोंडा में किस तरह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। घरों में गाँव में पानी भर गया है जिससे कई हेक्टेयर जमीन तो बर्बाद हो ही चुकी है और ऐसे में कई हजार लोगों के घर भी तबाह हो गए हैं और उनके सामने अब रहने तक का खाने तक का संकट पैदा हो चुका है। तो गोंडा की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 18,000 की आबादी जो बाढ़ से प्रभावित है वो कितनी परेशान है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में आसपास के गांव जो हैं, आसपास के तहसील जो हैं, वो पूरी तरह से पानी की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में लोगों को तमाम परेशानी भी हो रही है, साथ ही रहने का संकट भी उन सभी के सामने खड़ा हो गया है क्योंकि घर पूरी तरह से उन सभी के जलमग्न हो चुके हैं। है उससे जिले की घाघरा और सरयू नदी में जलस्तर बढ़ा है। घाघरा का जलस्तर जो है 64 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और सरयू का सुबह 55 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा था। हमारी दो तहसीलें मुख्यतः प्रभावित हुई, तरबगंज और कनेलगंज, और तरबगंज में ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं 18, वहाँ की लगभग 16,000 जनसंख्या और पशु 1210 और कृषि लगभग 4,000 हेक्टेयर प्रभावित हुई है। नावें लगा दी गई हैं, प्रशासन अलर्ट है और बंधे में कुछ दिक्कतें आई थी उनको नियंत्रण में ले लिया गया है। दोनों तहसील में कितने जनसंख्या प्रभावित है? दोनों की तहसीलों की अनुमानित जनसंख्या 17,669 है। गांव वालों का आरोप है कि कोई भी नाव नहीं लगाई गई है, कोई देखने तक नहीं आया। तहसीलदार गए हैं, मैं भी करनेलगंज साइड में गया हूँ अभी और जाऊँगा आज, और तहसीलदार से मेरा SDM से निरंतर संपर्क है, वहाँ नावें लगाई गई हैं। हो सकता एक स्थान पर बांधे न दिखाई पड़ रही हूँ मगर लगाई गई। बस्ती जिले के कोदराहा ब्लॉक के राजपुर बेरी हवा गांव में महिला प्रधान मीरा देवी पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान ने बिना काम कराए सेक्रेटरी के साथ मिलकर सरकारी धन की जमकर बंदबाट कर ली है। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच अधिकारी मामले में जाँच के नाम पर अधूरी जाँच कर खानापूर्ति कर चले गए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी एक बार फिर मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच की जिसमें प्रधान को दोषी पाया गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने प्रधान और साथियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर महिला प्रधान पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है, सरकारी धन की जमकर बंदोबस्त करने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि महिला प्रधान ने अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर सरकारी धन में खूब बंदोबस्त किया है। हालांकि जब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है तो अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, जो आपने बात बताया है इसमें ऑलरेडी DIOS और लोक निर्माण विभाग के यही को संयुक्त रूप से जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनकी जाँच संख्या प्राप्त करते ही जो अगर दोषी पाया जाता है तो चाहे उसमें रिकवरी की बात हो या फायर की बात हो तो फिर जो भी दोषी हो प्रधान से लेकर सचिव या जो हमारा JEE या TE होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, सरकारी मशीनरी से इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कराई जाती है तो आखिर इस तरीके के भ्रष्टाचार जो होते हैं तो कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? की जाती है, कड़ी कार्रवाई होती है, सस्पेंशन भी है, उसके खिलाफ FIR भी काफी लोगों ने कराया है और निरंतर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी इस तरह की सरकारी योजनाओं में है इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई भी चीज मिलने न पाए। शिकायत किया गया था और जाँच करने ADO समाज कल्याण गए थे और साथ में सेक्रेटरी साहब, लेकिन तीन कामों का केवल जांच किए और जांच पूरा किए नहीं, वैसे चले आए और जो है BDO साहब के पास जमा किए। BDO साहब जो है एक वो लगा के दिए हैं रिपोर्ट कि मामला गंभीर है, इसकी जांच जो है जिले स्तर की टीम से करवाई जाए और वहां फिर आदेश जिले से टीम गठित की गई और कहीं जो नरेगा का काम किया गया है कहीं मिट्टी तक नहीं पड़ी है। तो क्या ये जो काम कराया जाते हैं ग्राम सभाओं में इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है? कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से धन निकाल लिया जाता है और जो लेबरों के खाते में पैसा भेजा जाता है 500 रुपये प्रति लेबर दिया जाता है, बाकी पैसा जो है प्रधान द्वारा वसूली कर लिया जाता है।
बिजनौर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर की स्वाट टीम और हल्दौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। वहीं फैक्ट्री से 11 बने और अधबने तमंचे समेत चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। इसके अलावा मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बिजनौर का पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ दिया है। इसके साथ कुछ लोगों को एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही आपको बता दें 11 बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं। वहीं चोरी की गई बाइकों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और ऐसे में अवैध शस्त्र बनाने वाली इस फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही आपको बता दें इसके अलावा मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं जो पुलिस ने सामान बरामद किया है वो पुलिस ने सामने भी दिखाया और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा भी किया है। जनपद के हल्दौर थाना प्रभारी एवं स्वाट टीम ने एक साथ हिस्ट्री सीटर गुलफाम शराब सगीर खारी का रहने वाला है, इसको शस्त्र फैक्ट्री के साथ में झालू रेलवे स्टेशन के पास खंडहर से पकड़ा है एवं बरामद किया है। इसकी फैक्ट्री से 11 बने अधबने तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, तमंचे बनाने के अनेक उपकरण बरामद किया गया है। इसके द्वारा आगामी जो उसमें बेचने का कार्य किया जाना था 5 से 10 हज़ार रुपये में ये बेचता, अभी तक इन्होंने बेचा है कि नहीं बेचा है स्वीकार नहीं किया है। PCR पर ले करके इसको किया जाएगा, किसी साथी का नाम नहीं बताया है, इसके साथी भी हो सकते हैं। पुलिस करके रिमांड पर ले करके अन्य कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो थाना कैंट देहरादून के में चोरी का मुकदमा कायम था बरामद हुआ है। आगरा में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि थाना शमशाबाद के फतेहाबाद रोड पर एक कार और कैंटर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है जहाँ पर एक गाड़ी और कैंटर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत बहुत जोरदार थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में वहां के मौजूद लोगों ने पहुंचाया पुलिस की मदद से और जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कितना भयानक ये एक्सीडेंट था कि आमने सामने की भिड़ंत हो गई कार और कैंटर में, लेकिन सबसे अच्छी बात यही रही कि इस पूरे हादसे में किसी की जान नहीं गई। बिजनौर में दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि बिजनौर के सोतियान इलाके में बाइक सवार 2 लुटेरों ने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर लगे CCTV कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है जहाँ पर हर रोज़ाना बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। महिला से किस तरह से लुटेरे लूट कर रहे हैं, सड़क पर चलती हुई 2 महिलाएं नजर आ रही हैं। CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई और पीछे से बाइक सवार 2 युवक आते हैं और किस तरह से महिला से लूट करते हैं और तुरंत मौके से फरार हो जाते हैं। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में नियमों की अनदेखी, बिना लाइसेंस और बिना नंबर के शहर में दौड़ रही ई रिक्शा पर DM अविनाश कुमार के निर्देश पर ARTO ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ई रिक्शा चालकों का चालान किया और वाहनों को पुलिस लाइन में खड़ा करवा दिया। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों की बैठक में लगातार अवैध ई रिक्शा को लेकर सवाल उठते थे, जिसके बाद अधिकारियों की ओर से ये कार्रवाई की गई है। तो हरदोई का पूरा मामला है जहाँ पर अवैध ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई है। 70 ई रिक्शा का चालान काटा गया और साथ ही उनको जब्त भी कर लिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो सवाल उठ रहे थे
अवैध ई रिक्शाओं पर उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे में डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर एआरटीओ ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ई रिक्शा चालकों का चालान काटा, साथ ही वाहनों को पुलिस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, जिलाधिकारी हरदोई महोदय के निर्देश के क्रम में जो है आज मेरे द्वारा ई रिक्शे जो कुछ लोग नाबालिग हैं जो चला रहे हैं, कुछ ऐसे ई रिक्शे हैं जो बिना नंबर प्लेट के चलाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे ई रिक्शे हैं जिनको जो है जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस नहीं है तो इसको सीज किया जा रहा है। ये देखते हुए कि एक तो जो नाबालिग चला रहा है उससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और इनसे जाम की समस्याएं बहुत हैं। पूरा मामला है जहां पर अवैध ई रिक्शा चालकों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में डीएम के निर्देश पर ये कार्रवाई करते हुए आरटीओ ने 70 ई रिक्शाओं को का चालान भी काटा और ऐसे में जब्त कर उन सभी ई रिक्शाओं को पुलिस लाइन में खड़ा भी कर दिया है। हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी की जनसभा में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सपा प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष मंच पर ही आपस में भिड़ गए। दरअसल बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को शिरकत करनी थी। वहीं कार्यक्रम में जूही सिंह के पहुंचने के बाद मंच पर सम्मान पाने को लेकर सपा प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए, जहाँ पहले दोनों के बीच गाली गलौज हुई और फिर दोनों के समर्थक एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा जिसके बाद जूही सिंह को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं मंच पर किस तरह से आपस में दो नेता सभा के भिड़ गए। ऐसे में जन ये आपको बता दें समाजवादी पार्टी की जनसभा हो रही थी जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल आपस में दो नेता भिड़ गए जिसके बाद वहां से एक नेता को कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। पहले तो दोनों नेता ही आपस में भिड़ते हुए नजर आए, उसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा काफ़ी देर तक वहाँ पर हुआ और हंगामे के बाद जूही सिंह को कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। हमारी भी राजनीति में अक्सर मुलाकात हो जाती है, डेवलपमेंट की मीटिंग, कभी डेवलपमेंट की मीटिंग हो जाती है, कभी फ्लाइट में हो जाती है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे जो नेता हैं शिष्टाचार की पराकाष्ठा है उनके अंदर। उन्होंने तो अगर आप देखें तो 5 पार्लियामेंट का चुनाव उसमें सब में सेकुलर फोर्सेस कमजोर ना हो इसके लिए मदद भी करने का काम। महिला वोटरों को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी अपना कैंपेन चला रही है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आदरणीय जूही सिंह जी जब यहाँ मौजूद हैं जो महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हमें लगता है कि वही इस पर बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 13 जनवरी 1996 तत्कालीन देश के रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ही वो नेता थे जिन्होंने देश के सबसे बड़े सदन में महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। महिला विरोधी है ये सरकार, युवा विरोधी है ये सरकार, हर वर्ग की विरोधी है। महंगाई बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों की फीस देंगे? महिला सुरक्षा की ये सारे दावे तार तार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है? समाजवादी पार्टी अब सरकार को बदलने निकली है और हरदोई तो वैसे भी समाजवादी कर रही थी। दोबारा यहाँ पर हमारा विधायक होगा, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री होंगे, यही हमारा। बरेली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कथा से पहले एक कलश यात्रा भी निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में आयोजित श्री राम कथा 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी जिसके वक्ता श्री अतुल भारद्वाज होंगे और भमौरा थाना क्षेत्र के दवचेरा बाजार में ये श्री राम कथा की जा रही है। तो बरेली में ये तस्वीरें देख सकते हैं, शोभा यात्रा के कलश यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें हैं किस तरह से कितनी संख्या में महिलाओं ने
कलश यात्रा में भाग लिया है। देख सकते हैं कथा से पहले ये कलश यात्रा निकाली गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि 24 अक्टूबर से ये राम कथा का आयोजन किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में और 31 अक्टूबर तक ये राम कथा होने जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है जो वांछित चल रहा था। ऐसे में पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल ने बताया है कि बीते 4 सितम्बर को थाना कवि नगर क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी कपिल गर्ग के घर से करोड़ों रुपए की जेवरात की चोरी का मामला सामने आया था, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस कई टीमें इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, जिसके बाद अब इस घटना का खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में 11 अपराधी जेल भी जा चुके हैं और अब इस मामले में गैंग का सरगना वांछित अपराधी इरफान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस गिरोह ने देश के कई राज्यों में बड़ी बड़ी आलिशान कोठियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त के पास से करोड़ों रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार इस गैंग के सभी सदस्य जेल जा चुके हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कविनगर केडी 12 घर में ये सूचना मिली थी हम लोगों को कि इसमें उनके बहुमूल्य जेवरात किसी चोरों ने घुस के वहां पे चोरी कर लिए हैं। तुरंत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए टीमें बना दी थी। इसके फलस्वरूप हमने 11 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कि जो मुख्य गैंग मेंबर था वो फरार था। ये 11 गैंग मेंबर्स में इसकी पत्नी, इसका चचेरा भाई, इसका ड्राइवर, इसके नौकर, एक इसका मित्र और ज्वेलर, इसकी गर्लफ्रेंड सब पकड़े गए थे। इस अभियुक्त के पीछे हम लोग मुखबिर तंत्र हमारा लगा हुआ था। कल रात्रि को आरडीसी के निकट मुखबिर की सूचना पे हमने इसको जेवरात के साथ यहाँ से गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम इरफान उर्फ उजाले है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं। कहते हैं सियासत के खेल में कोई खुशी मनाता है तो कोई गम, लेकिन चुनाव में वोटों की सियासत करने वालों को हार बर्दाश्त नहीं हुई। प्रधानी के चुनाव में एक परिवार को किसी को और को वोट डालना इतना महंगा पड़ा कि उनके घर में घुसकर तबंगों ने परिवार के आधा दर्जन सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जबकि एक सदस्य की मौके पर ही जान चली गई। पूरा मामला कानपुर देहात के कचनार बगिया का है, जहां चुनाव में दूसरे पक्ष को वोट डालना एक परिवार को इतना महंगा पड़ा कि दबंगों ने उनके घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य सभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस 2 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।